साहब हिंदुस्तान के नगीने हैं। दोस्तों एक शेर तेरी आंखों में वही रहना वाली तेरी आंखों में किसी गैर का चेहरा देख दे मौत आ जाए मुझे जो मैं ऐसा देखूं। और एक शेर ऐसा है दोस्तों जिससे मैं सिर्फ वहीद भाई का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। ये गजल वहीद भाई की बड़ी हिट जो हमने भी पढ़ी है काफी फनकारों ने बुरा था चाहते हैं बाजार इसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा खाली की शख्सियत बैठे कौन है के बस बस मौत आ जाए जो मैं ऐसा देखूं तेरी आंखों में किसी गैर का चेहरा देखूं अल्लाह तेरे हैरान की बस यही तमन्ना है अपने बच्चों की कमाई में मदीना देखूं। सुभान अल्लाह आमीन। उस शख्सियत का नाम वही दे रहा है कि जिन्होंने अपने अल्फाजों से ये नगीने पिरोए हैं तो इनकी दुआएं रही हैं। ये हमारे सब सीनियर हैं और ये इनका प्यार है कि इन्होंने बार बार अनाउंसमेंट की जिन्हें यकीन जाने मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई साहब बस मैं तो इनके दरों का भिखारी हूँ। ये अलग बात है कि मेरे माँ बाप की दुआओं ने जिन्हें सुल्तानी को सुल्तान बनाया है ये सब मेरे बुजुर्गों का सदका है और मेरे हुजूर छोटे बड़े सरकार जिनका जिक्र मुबारक आपने किया मेरे साहब ये उस दरबार की चौखट का सदका है जो मेरे दामन में है क्योंकि इसी सबब से सब मुझको जान जाते हैं तेरी गुलामी का पट्टा है मेरी गर्दन में क्योंकि बड़े पुराने शोरा पुराने शायर पुराने बुजुर्गों के कलाम है और शेर है कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो आज अल्लाह का बड़ा कर्म है फेसबुक से लेके ट्विटर ट्विटर से लेके व्हाट्सएप व्हाट्सएप से लेके फेसबुक फेसबुक से लेके यूट्यूब और यूट्यूब से लेके टिकटॉक आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ टिकटॉक से लोग मुझे जानते नहीं है उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक ओ मैं ही हूँ साहब इनका सत्ता है मगर किस शहर में कदम कदम ये है भजक कदम 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 ये है भजक कदम 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 ये तो भजक कदम एक कलाम मेरा अभी यूट्यूब के ऊपर बहुत चल रहा है और लोगों ने उसको नाम दे दिया कि एनआरसी के ऊपर जुनैद भाई ने गाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्यों क्योंकि मैं तो जिनका खाता हूं उनका गाऊंगा साथ जिनका खाते हैं उनका गाएंगे साहब हम तो बड़ा मकबूल कलाम हुआ वो। मैंने अभी इंदौर खजराना में भी उसको पढ़ा है अनीस साबरी के साथ बहुत वायरल वीडियो हुआ है वो बासा मगर उसमें हकीकत बयान करी है ये एनआरसी वगैरह जो चल रहा था मगर मिसरा देखे जो गरीब नवाज के आशिक बैठे हैं और अपने हिम से प्यार करने वाले मैं उनका मिसरा पहचान रहा हूँ और मेरे जो अजीज बैठे हैं पीछे भाई मिसरा देखे और वो एक गाने की पैरोडी पे लिखा था वो गाना भी बड़ा हिट हुआ है ये छोड़ के मैं दरबार कहीं रुकूं या ख्वाजा है मददगार कहीं मैं क्यों जाऊं ये छोड़ के मैं दरबार ये छोड़ के मैं दरबार कहीं अब क्यों जाऊं जी ख्वाजा है मददगार कहीं मैं
दुश्मन के आगे झुक न सकेगा मेरा सर। दुश्मन के, ये आपके ऊपर शेर पढ़ रहा हूं, दुश्मन के आगे झुक न सकेगा मेरा सर। मेरे सर पे तेरी दस्तार कहीं मैं क्यों जाऊं, तो इस पे कहा कदम कदम ये भजक कदम, कदम कदम ये भजक कदम, कदम कदम ये तो भजक कदम। अबे तुम देने वालों की औलाद लूट रहे हो, अबे देने वालों की औलाद लूटेंगी तो हमारा क्या होगा। देसी प्रोग्राम मनर भाई, ये सब दे देंगे एक ही, ये मेरा वादा। ओ मेरे छोटे छोटे भाइयों, सुनो बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया बुला रहे अन्नान अन्नान मिश्रा, तो सुनो मैं कह रहा हूँ, बात ही नहीं समझ रहा। ये नाजिम भाई मुझसे बोल रहे हैं जब तक इनके इनके मतलब की बात नहीं करोगे लूटते रहेंगे, जब इनके मतलब की बात करोगे तो सब लुटा देंगे। मगर सखी के माल में सबका हक बराबर होता है, दुरुस्त बिल्कुल दुरुस्त, मगर लड़ो तो मत कम से कम आपस में। उसने उसकी जेब में से अपना नोट निकाल कर रख लिया, अबे क्या कर रही है वगैरह, मैं मेरा तो दे दे, मौलाना सुलह करा रहे हैं, बोले दे रख ले भाई। मगर किसी के कहने से हम पास नहीं आए, Yeah।
दौलत, किसी सर की बदौलत बा खुदा पाई है ये दौलत, पाई है ये दौलत, पाई है ये दौलत, किसी सर की बदौलत बा खुदा पाई है ये दौलत, पाई है ये दौलत। इसका गम नहीं, ख्वाजा का राज चलता है ख्वाजा के देश में।